तो दोस्तों आज हम बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक के बारे में। MTAR टेक्नोलॉजीज़ के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगा था, पहले क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था हमको। यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी यहाँ पर अगेन यहाँ पर स्टॉक में हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.91% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर यहाँ पर और तेज़ी आती है तो यहाँ से और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2662 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2857, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3000 डॉलर का स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक का 3100, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3200-3300 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2546 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2480 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2398 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।